नागरी प्रचारिणी सभा आगरा के तत्वाधान में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भरद्वाज की पुस्तक आगरा की समृद्ध विरासत पर सोमवार को नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय भवन में विद्युत जनों ने चर्चाएं की। आगरा के गौरवशाली अतीत को सहेजने और वर्तमान को आगे बढ़ाने का प्रयास ताजनगरी आगरा में निरंतर जारी है। इसी क्रम में नागरी प्रचारिणी सभा आगरा में एक बैठक आहूत की गई, जिस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज की पुस्तक आगरा की समृद्ध विरासत पर विद्वान जनों की चर्चा सम्पन्न हुई। आगरा की समृद्ध विरासत पुस्तक द्वारा अपनी गौरवशाली परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने की वैचारिक पहल के लिए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज को कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे विद्वत जनों ने जमकर सराहना दी। आज मेरी पुस्तक पर चर्चा हुई है, आगरा की समृद्ध विरासत, और इस पुस्तक में जो मेरे बहुत ही व्यक्तिगत संवेदनशील जिन लोगों से रिश्ते थे उन 23 साहित्यकारों को और क्रांतिकारियों को मैंने इसमें लिया है। व्यक्तिगत रूप से ये लोग कितने सहज और सरल थे समाज के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से काम किया है, इन लोगों को मैंने अपने इसमें पत्र में लिया है। 99 प्रश्नों के अंदर इसको समेट करके रखा हुआ है। रंगे राघव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, बाबू गुलाम राय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पद्मश्री, गोपालदास नीरज सहित ताजनगरी आगरा के 23 महापुरुषों के व्यक्तित्व व कृतित्व को रेखांकित करने वाले जीवंत संस्मरणों व अनुभव जनित भावपूर्ण आलेखों से सुसज्जित पुस्तक आगरा की समृद्ध विरासत पर चर्चा करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर सोनम ठाकुर ने कहा कि इस पुस्तक से नई पीढ़ी को आगरा की गौरवशाली परंपरा का परिचय मिलेगा। महापुरुषों के जीवन और विचारों से नई पीढ़ी को सार्थक जीवन की सीख के साथ देश और समाज के नवनिर्माण के लिए भी दिशा मिलेगी। वहीं इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि यह पुस्तक आगरा के गौरवशाली अतीत को सहेजने एवं वर्तमान को आगे बढ़ाने के प्रयास में स्तंभ सिद्ध होगी।